इसी तरह बेशुमार लोग अपने वतन की याद में वापस हो गए, तो यही हाल मुझ गरीब का भी था। एक मौका ऐसा भी आया कि मैंने हज़रत को अरीज़ा लिखा। मैंने लिखा कि हज़रत, ये हमने 10 साल तक मेहनत करके वहाँ मदारिस में जो कुछ पढ़ा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ सब ज़ाय हो जाएगा, कि न पंज वक्ता नमाज की जमात के लिए मुक्तदी मैसर हैं, न मकतब के बच्चे मैसर हैं कि जिन्हें उर्दू, फ़ारसी या अरबी की इब्तदाई तालीम दी जाए। इसलिए मैं वापसी का इरादा करते हुए हज़रत से इजाज़त चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊँ। तो मैं तो रोता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। और हज़रत ने जवाब में तहरीर फरमाया कि हिंदुस्तान वापसी का इरादा ना करो, अल्लाह की ज़ात से बईद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों वहाँ ऐसा दारुलूम शुरू करा दे जिसमें हदीस और तफसीर का दर्स हो। क्या पेशिनगोई थी! देखिए दोस्तों, सब मालिक की तरफ से इन हजरात पर इनायात होती हैं कि जो कलिमा उनकी ज़ुबान से निकल जाता है। और किस तरह, मैंने गुज़िश्ता कल हमारे दारुलूम के बुखारी शरीफ के तलबे किराम के साथ नशस्त हुई कि वो भी आज ही फरागत हासिल करके अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं, तो आखिरी जो बातें उनके साथ हुई उसमें भी मैंने इसी चीज़ को दोहराया कि आप जिस जगह दारुल हदीस में बैठे हुए हो, उसके नीचे जो मदखल है दारुलूम की नई इमारत का, सीढ़ियां हैं, वहाँ सबसे पहले मेहमान जो तशरीफ़ लाए वो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ़ बिन नूरी नवरल्लाहु मरकज़हू थे। वो एक जंगल नुमा जहाँ इंसान दिन में भी जाने से डरता था, टूटी फूटी जगह, कोई चीज़ उसकी सलामत नहीं, जानवर उसमें, वहाँ जानवर देखे, अब तक मैंने वैसे जानवर बरतानिया में कभी देखे भी नहीं हैं, तो जिनसे पूछता था वो भी नहीं जानते थे कि ये जानवर क्या है। तो उनका वो मस्कन बन चुका था, तो मैंने कहा कि असर के बाद हम हज़रत को लेकर वहाँ पहुँचे, तो अपने साथ चटाई ले ली थी, उस पर हज़रत की इस जगह नशस्त हुई। नशस्त क्या हुई वहाँ, बरसा बरस से उसी जगह दारुल हदीस की इमारत बाद में तामीर हुई। और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, उसी जगह से बुलंद हो रहा है यह नारा जहाँ हज़रत बिन नूरी नवर अल्लाहु मरकज़हू चंद लम्हे के लिए तशरीफ़ फरमा रहे। क्या कहना हमारे बुज़ुर्गों का! तो ये हज़रत शेख नवर अल्लाहु मरकज़हू का फैज़ देखिए कि सारी रौनकें हज़रत शेख नवर अल्लाहु मरकज़हू के कलिमात की बरकत से, कि प्यारे हिंदुस्तान वापसी का इरादा न करो, अल्लाह की ज़ात से बईद नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों वहाँ ऐसा दारुलूम शुरू करा दे जिसमें हदीस और तफसीर का दर्स हो। आज कई 100 जगह हदीस की किताबें पढ़ाई जाती थी, और हज़रत की वो तमन्ना, हज़रत के कलिमात जो हज़रत की ज़ुबान मुबारक से निकले, अल्लाह ने पूरे फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन के कामों में हमेशा मशगूल रखे, दुनिया और इबलीसी और शैतानी मजालिस से हमारी हिफाजत फरमाए, रूहानी मजालिस से हमें वाबस्ता रखे, आखिरत में भी हक़ ताला शानू हमारे बुज़ुर्गों के साथ हमारा हशर फरमाए।